मदरबोर्ड के साथ। तो अगर एलसीडी होता है तो ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले के साथ यहाँ पे एक पैनल होता है जो लैपटॉप को स्क्रीन को काम करने में हेल्प करता है। अब वो पैनल क्या होता है, ना पैनल कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि ये वाला होता है पैनल, तो ये पैनल में कनेक्शन होता है वो केबल का। तो एलसीडी का केस में ये जो पैनल होता है ये हमेशा यहाँ पे रहता है। ये यहाँ से ऐसे कनेक्शन होता है, और जो पावर केबल होता है, मतलब डेटा सिग्नल के लिए जो कनेक्शन होता है उसका नाम होता है एलवीडीएस केबल। तो वो एक केबल के थ्रू जाके यहाँ पे वो कनेक्शन होता है। तो ये कुछ इस तरीके का आता है। ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो यहाँ से मदरबोर्ड में कनेक्शन होगा जिसको बोलेंगे हम एलबीडीएस कनेक्टर, जो कि यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे एलसीडी का कनेक्शन रहेगा, जो मैंने पहले बोला था कि 30 या 40 बिन का होगा। जितना भी एलसीडी डिस्प्ले है उसका ये जो केबल होता है, ये केबल सेम होता है, मतलब ये केबल का ये वाला पोर्शन सेम होता है जितना एलसीडी है, और जितना एलईडी है उसका सबका सेम होता है। लेकिन ये जो पिन होता है जो मदरबोर्ड में लगता है एलवीडीएस का जो साइड है, हाँ एलवीडीएस का साइड, वो वाला पिन फिक्स नहीं होता। एक अलग अलग लैपटॉप में वो अलग अलग तरीके का होता है, या फिर वो कैसे कनेक्शन होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन किसी किसी में वो 30 पिन का होता है, किसी में 40 पिन का होता है। तो कितना पिन का है ये भी आपको देखना होगा। लेकिन अगर एलसीडी है तो उसमें तो आपको उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीडी में वो हमेशा 30 पिन का ही आएगा। तो ये जो कनेक्शन होता है एलवीडीएस का, ये यहाँ से जाके यहाँ से कनेक्टेड होगा। अगर अगर आपका लैपटॉप का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर आपको मतलब कैमरा होता है, वेब कैम होता है, तो उसमें और एक मतलब कनेक्शन निकलेगा इस वायर से, जो यहाँ से निकल के ऐसे वेबकैम में जाएगा। करके कनेक्शन। तो ये एलसीडी का फंडा है। तो एलसीडी का डिस्प्ले अगर होगा तो ये जो बोर्ड है इसको हम बोलेंगे पैनल बोर्ड या फिर लॉजिक बोर्ड। तो इसका जो पैनल बोर्ड है या लॉजिक बोर्ड है वो डिस्प्ले का हमेशा अप साइड में रहेगा। ये हो गया डिस्प्ले का अप, और ये हो गया डाउन। तो ये स्क्रीन का जो पैनल होता है ये हमेशा स्क्रीन का ऊपर का साइड में रहता है, और जो नीचे वाला साइड है उसमें ये केबल जाके कनेक्टेड होता है। इस केबल का नाम हो गया केबल का नाम हो गया LVDS केबल। तो ये LVDS केबल है जो केबल के थ्रू जाके हमारा डेटा या पावर जो कुछ भी है मदरबोर्ड से सप्लाई होता है हमारा
एलसीडी का पैनल बोर्ड में, और ये पैनल बोर्ड जो होता है ये एकदम स्क्रीन के साथ फिक्स रहता है। तो ये होता है हमारा एक एलसीडी का आइडेंटिफिकेशन। और एलसीडी का सिर्फ यही आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, उसके साथ साथ और भी एक चीज होता है कि ये जो डिस्प्ले मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, ये केबल जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है स्क्रीन पैनल के साथ, और इसका और एक भाग आ जाता है ये वाला, यहाँ से जाके ये कार्ड में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे अगर एलसीडी का डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये हो गया एक कार्ड, ये कार्ड के साथ एक डिस्प्ले कनेक्टेड रहता है, डिस्प्ले के एकदम नीचे रहता है जहाँ पे हमारा वो लैपटॉप का लोगो दिया रहता है, डेल, एचपी, लेनोवो, जो भी है कंपनी का नाम लिखा होता है। तो इस जगह पे आपको एक स्क्रीन का एकदम बीच में, अगर एलसीडी होगा तो यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा। इस कार्ड का नाम होता है इन्वर्टर कार्ड, इसका नाम होता है इन्वर्टर कार्ड, या फिर हम लोग इसे एफ एल इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वर्टर कार्ड या फिर एफ एल इन्वर्टर। तो ये क्या रहता है ना, ये कार्ड है जो हमारा डिस्प्ले का ठीक नीचे रहेगा। इसका वर्किंग क्या होता है ना, ये हमारा मदरबोर्ड का, मदरबोर्ड से हमको हमारा पावर लेगा, पावर लेने के बाद हमारे डिस्प्ले का जो लाइट है इसको जेनरेट करता है। जो डिस्प्ले नॉर्मली रहता है ना, वो एलसीडी होगा तो उसमें दो यूनिट रहता है, एक रहता है आपका डिस्प्ले यूनिट और एक रहता है बैकलाइट यूनिट। मतलब अगर एलसीडी का स्क्रीन हम साइड से देखेंगे तो उसमें ऐसे दो सेक्शन रहता है। हमारा जो यूजर होता है वो यहाँ से देखता है, इस एरिया में यूजर रहता है, तो सबसे पहले जो स्क्रीन उसके सामने रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर मेन डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेन डिस्प्ले या डिस्प्ले यूनिट। और उसके पीछे ये जो पोर्शन होता है इसका नाम होता है वी एल यूनिट या फिर बैकलाइट। बी एल मतलब होता है बैकलाइट, ये हो गया बी एल यूनिट या फिर बैकलाइट यूनिट। ये है हमारा यूजर, यूजर को जो सबसे पहले दिखता है वो होता है हमारा मेन डिस्प्ले यूनिट या फिर मेन डिस्प्ले, और पीछे जो रहता है वो होता है बैकलाइट यूनिट। तो ये जो कार्ड होता है वो बैकलाइट यूनिट को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। मतलब एलसीडी डिस्प्ले में जो स्क्रीन आता है इसमें पिक्चर वगैरह कुछ आता है जो कि इस लॉजिक बोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ये वाला जो लॉजिक बोर्ड है वो आके यहाँ पे फिक्स रहता है, लॉजिक बोर्ड का लोकेशन यहाँ पे रहता है, लॉजिक बोर्ड ऐसे यहाँ पे रहता है। और इसमें से केबल कनेक्शन होके ये इसमें कनेक्टेड हो जाता है ऐसे जाते। तो ऐसे होता है। तो हमारा मदरबोर्ड से जो सप्लाई आता है एलवीडीएस केबल के थ्रू, वो सप्लाई और सिग्नल आके इसमें इनपुट होता है। ये हो गया आपका पैनल बोर्ड, इस पैनल बोर्ड के थ्रू जाके वो डिस्प्ले का जो मेन यूनिट है, डिस्प्ले यूनिट है, उसमें जाके वो कलर वगैरह आपका पिक्चर ये सब कुछ यहाँ पे डालेगा। और ये है बीएल यूनिट, ये बीएल यूनिट के साथ ये वाला चीज कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टर कार्ड। तो इन्वर्टर कार्ड ये नीचे ऐसे रहता है, तो इसमें आके पावर हम लोग डालेंगे जो एलवीडीएस केबल के थ्रू जाता है। डालने के बाद इसके साथ ये बीएल यूनिट कनेक्टेड रहता है, तो ये बीएल यूनिट को सप्लाई देता है। बीएल यूनिट के नीचे रहता है एक लैंप जिसको हम बोलते हैं सीसीएफएल ट्यूब। उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया
CCFLQ। ये हो गया सीसीएफएल का फुल फॉर्म। सीसीएफएल में मतलब कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप। तो ये जो कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप होता है, तो ये एक टाइप का लैंप है जो एकदम पतला टाइप का रहता है, उसके थ्रू जाके हम लोग लाइट जनरेट करते हैं। तो इसका ये एक ट्यूब है जो ट्यूब का काम होता है लाइट जनरेट करके इस बैकलाइट यूनिट को लाइट करना। और यहाँ पे जो पिक्चर वगैरह रहेगा वो इस बैकलाइट थ्रू से उसका सप्लाई को भेजेगा, मतलब लाइट को भेजेगा। तो यहाँ पे हमारा कलर पिक्चर सब कुछ आ रहा है और बीएल यूनिट से एक व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट करके हम लोग सामने भेजेंगे। तो यहाँ पे जो कलर वगैरह है वो यूजर को दिखेगा। तो उसके लिए जो कार्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर कार्ड। तो LCD और LED का जो डिफरेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस चीज को भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा LCD का आइडेंटिफिकेशन। तो अगर LCD डिस्प्ले को आपको पहचानना है, सबसे आसान तरीका होता है कि आप स्क्रीन का नीचे का पोर्शन देखिए। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें आपको मतलब पहचानने में सुविधा होगा कि हम किस तरीके का बात कर रहे हैं, कहाँ पे रहेगा। तो ये देखिए हमारा ये एक लैपटॉप का स्क्रीन है यहाँ पे, और ये नीचे आपका वो कीबोर्ड है, मतलब इसके नीचे मदरबोर्ड है। तो अगर आप स्क्रीन के साइड में जो पावर होता है, सामने वाला जो पैनल होता है जिसको हम ए साइड बोलते हैं, तो वो ए साइड को ओपन करेंगे तो इस जगह पे आपको नॉर्मली लोगो रहता है, उन लोगों के ठीक नीचे देखिए यहाँ पे आपको ये कार्ड मिलेगा। ये आपका डिस्प्ले के साथ मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर रहेगा। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर कार्ड। और ये जो केबिल आपको यहाँ पे दिख रहा है दो भाग में डिवाइड हो चुका है, ये है हमारा LVDS केबिल जो मदरबोर्ड थ्रू जाके एक चला जाता है आपका LCD का पीछे का पैनल में ऊपर में, और इसका एक भाग आ जाता है ये इन्वर्टर कार्ड में जो कार्ड को सप्लाई देता है। और ये इसके इस जगह से ये केबल आउट होके डिस्प्ले के अंदर घुस जाता है, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर हमारा पावर रहता है। ये है आपका LVDS कनेक्टर जो मदरबोर्ड में कनेक्टेड होता है। तो ये मदरबोर्ड थ्रू होके ऐसे जाता है, जाके हमारा डिस्प्ले को वोल्टेज सिग्नल जो कुछ भी उसको चाहिए वो सप्लाई करता है। ये देखिए ये कुछ ऐसा रहता है। ये है हमारा एक LCD डिस्प्ले। तो ये LCD का ये पूरा स्क्रीन है। जब हम लोग स्क्रीन को खरीदेंगे तो ये पूरा स्क्रीन आएगा, ये केबिल नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये वाला कनेक्टर यहाँ से निकला होता है LCD में। ये सिर्फ जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, पिंक और ब्लैक दो कलर का वायर यहाँ से निकल के कनेक्टेड है। और ये होता है हमारा इन्वर्टर कार्ड, ये ऐसे नीचे रहता है। और ये है मदरबोर्ड का पोर्शन LVDS। तो LVDS केबिल का ये वाला पोर्शन मदरबोर्ड में कनेक्टेड होगा, जो कि सभी बोर्ड के लिए सेपरेट होता है, एक बोर्ड के साथ दूसरा बोर्ड में ये कनेक्शन मैच नहीं करेगा। तो इसके थ्रू जाके ये सप्लाई यहाँ पे आके दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक इस कार्ड को सप्लाई देने के लिए यूज होता है, जिसके थ्रू जाके ये CCFL ट्यूब ऑपरेट होता है, जो ट्यूब इस नीचे ये वाला पोर्शन में रहता है और यहाँ से लाइट जनरेट करेगा, तो पूरा डिस्प्ले को वो लाइट सप्लाई करेगा। और ये वाला पोर्शन यहाँ से भाग होके ये लैपटॉप का पीछे का जो पैनल का बोर्ड होता है उसमें चला जाता है,